Dr. Sudhanshu Trivedi ji, this is your maiden speech. You will be. You are allotted 15 minutes time. Yes. माननीय सभापति महोदय, यह मेरा प्रथम उद्बोधन है और यहाँ उपस्थित सभी सदस्य, लगभग सभी सदस्य आयु और अनुभव में मुझसे वरिष्ठ हैं, तो सभी का अभिवादन करके मैं अपनी बात प्रारंभ करता हूँ। ये जो संशोधन सरकार ने प्रस्तुत किया, इसके दो पक्ष हैं, एक तकनीकी और दूसरा सैद्धांतिक, जिसमें राजनीतिक, ऐतिहासिक सारे विषय समाहित हैं। यदि हम तकनीकी दृष्टि से देखें तो संशोधन के जो दो अंग हैं कि किसी भी सदस्य को सरकार कार्यकाल पूरा होने से पूर्व हटा सकती है। मैं पूरी विनम्रता से कहना चाहूँगा कि इस देश की समस्त सरकारी और संवैधानिक व्यवस्थाओं में समयावधि पूर्ण होने से पहले हटाने का कोई ना कोई प्रावधान अवश्य है, चाहे वह विधायक हो, सांसद हो, मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो अथवा राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति ही क्यों ना हो। जब सब जगह हटाने की व्यवस्था संभव है तो ये तो एक प्रकार का स्टैच्यूटरी रिक्वायरमेंट हो जाता है, इसमें कोई विवाद उठाने का तो विषय मेरे विचार से बनता नहीं है। तो इसलिए यदि हटाने का प्रावधान है तो मैं इसे युक्ति सम्मत और विधि सम्मत मानता हूं। दूसरा विषय यह आता है कि एक राजनीतिक दल के अध्यक्ष को उसमें सदस्य होना चाहिए। अब मैं तकनीकी दृष्टि यदि कहूं तो सभी राजनीतिक दल स्वतंत्र हैं अपने संविधान को बदलने के लिए। अब जैसे यहां कई राजनीतिक दल हैं, कम्युनिस्ट पार्टी है, AIADMK हैं, जहां अध्यक्ष प्रमुख नहीं होता है, जनरल सेक्रेटरी प्रमुख होता है। तो मैं एक हाइपोथेटिकल बात कहता हूं, कल के दिन कोई पार्टी अपना संविधान में संशोधन कर दे, कह दे वह अध्यक्ष नहीं जनरल सेक्रेटरी होगा, तो अब पार्टी के संशोधन के अनुसार संवैधानिक व्यवस्था में संशोधन किया जाएगा। दूसरा तीसरी बात यह है कि व्यवस्थाएं शाश्वत होती हैं। कल माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि यह सदन चिरंतन है, इटर्नल, परपिचुअटी में काम कर रहा है। दल शाश्वत नहीं होते, दल में बदलाव भी हो सकता है, बिखराव भी हो सकता है। अब मैं दूसरा तकनीकी पक्ष कहूं, भारत के इतिहास में कई बार हुआ है दलों में विभाजन हुआ है, और विभाजन ऐसा हुआ है कि विवाद भी हो गया कि कौन इसका अध्यक्ष माना जाए। मान लीजिए कल के दिन ऐसी कोई स्थिति उत्पन्न हो जाए तब क्या होगा। मैं याद दिलाना चाहता हूं, वर्तमान कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जब अपने वर्तमान स्वरूप में आई तो 1978 में देवराज अर्स और कांग्रेस आई के रूप में विभाजन हुआ था। बाद में इंदिरा जी सत्ता में आई और वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस मान ली गई। परंतु अगर हम जलियांवाला बाग के कालखंड से आज तक देखें तो 100 साल में दर्जनों बार विभाजन कांग्रेस पार्टी का हो चुका है। मुझे याद है एक बार मैं बचपन में आदरणीय अटल जी का भाषण सुनने गया था तो उन्होंने बड़े रोचक ढंग से एक बात कही थी कि कांग्रेस में तो इतने धड़े हो गए, कभी कांग्रेस R, कांग्रेस S, कांग्रेस I, कांग्रेस U, कांग्रेस मैं, कांग्रेस तू, कांग्रेस I, कांग्रेस गई। तो कभी भी ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है, तो क्या ऐसी स्थिति के लिए हम किसी सरकारी व्यवस्था को स्थापित रख सकते हैं कि जब परिवर्तन होगा तो हम परिवर्तन करेंगे। यह तो हुआ तकनीकी पक्ष। अब दूसरी बात जो इसका सैद्धांतिक पक्ष है, देखिए अभी बाजवा साहब ने बड़ी अच्छी बात कही थी कि जलियांवाला बाग से चिंगारी शुरू हुई थी। हमारे कई सम्मानित सदस्यों ने यह कहा सभापति महोदय कि इतिहास में कोई बदलाव नहीं करना चाहिए। हम बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, जलियांवाला बाग में सैकड़ों नहीं हजारों लोगों ने अपने प्राणों की जो आहुति दी थी, मैं कहना चाहूंगा कि उनका जो रक्त बहा था, वह रक्त की जो गंगा बही थी, वहीं से इस आंदोलन के एक नए स्वरूप की शुरुआत हुई थी। आज यदि हम उसे स्मरण करना चाहें तो मैं कहना चाहूंगा उन्मुक्त मरण त्योहार राष्ट्र का मंगल हो, उत्सर्गी रक्त फुहार धवल गंगा जल हो, अब नए क्षितिज हो आस्थाओं से आलोकित, बलिपंथी पर बलिहार राष्ट्र का मंगल हो। अब यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा, जब हम कहते इतिहास नहीं बदलना चाहिए, बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। जलियांवाला बाग क्यों शुरू हुआ था? रॉलेट एक्ट के लिए। रॉलेट एक्ट क्यों आया था? क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद
अंग्रेज सरकार ने एक ऐसा एक्ट लाया था कि किसी को भी बगैर मुकदमा चलाए अंदर कर सकते थे और उसके ऊपर किसी भी प्रकार की प्रताड़ना और यातना दी जा सकती थी। अब वो क्यों लाए थे, मैं फिर विनम्रता से कहना चाहूँगा, क्या यह सत्य नहीं है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय, चाहे जो भी कारण रहा हो हम उसको दोष नहीं देते, पर कांग्रेस ने ब्रिटिश सरकार का समर्थन किया था, भले इस प्रत्याशा में किया था कि युद्ध के बाद वो हमें आज़ादी देंगे, परंतु वह बात गलत सिद्ध हुई, क्योंकि हमारे यहाँ तो शाश्वत शास्त्रों में कहा गया है, षठ संग विनय कुटिल संग प्रीति, यानी दुष्ट के साथ नीति और कुटिल व्यक्ति के साथ विनम्रता, यह उचित नहीं होती। इसीलिए वीर सावरकर ने एक शब्द प्रयोग किया था कि सद्गुण बहुत अच्छा होता है, पर कई बार सद्गुण गलत व्यक्ति के सामने प्रयोग कर दिया जाए तो वह सद्गुण विकृति हो जाता है। तो मैं कहना चाहूँगा, सहयोग आंदोलन 1920 में शुरू हुआ, उससे पहले तो सहयोग चल रहा था, और उसके बाद जैसे ही उनके हाथ में सत्ता आई, उन्होंने इस प्रकार का शर्मनाक कांड किया, इस प्रकार की जो हत्याएं की। अब यहां से मैं कहूंगा, एक बिंदु का ध्यान देना चाहिए, इतने लोगों ने अपना रक्त बहाया, बाजवा साहब ने खुद कहा वहां से चिंगारी शुरू हुई, तो अब आगे कभी इतिहास में यह नहीं कहना चाहिए कि बगैर एक भी रक्त का बूंद बहाए हमें आजादी मिल गई। हमें कभी यह नहीं कहना होगा कि बिना खड़क डाल के आजादी मिली, अरे साहब गोलियों की बौछार को सामना करते हुए हजारों लोगों ने अपना खून बहाया तब जाके आजादी की शुरुआत हुई। इसलिए जब हम न्याय की बात करते हैं तो बिल्कुल ईमानदारी से पूर्ण न्याय की बात करें। 1919 में जलियांवाला बाग हुआ, उससे 10 साल पहले और 10 साल बाद के भारत की आप जरा सा देखिए कि क्या स्थिति थी। 1912 में वाइसराय के ऊपर बम फेंका गया था, केवल 1910 से 30 के बीच की बात कर रहा हूं। चटगांव में, चट्टोग्राम जो अब बांग्लादेश में चला गया, वहां शस्त्रागार पे कब्जा कर लिया गया था सूर्यसेन जी के द्वारा। कलकत्ता के पुलिस कमिश्नर पर अटैक हुआ था। लखनऊ के पास काकोरी में सरकारी खजाना कब्जा कर लिया गया था, और लाहौर में असेंबली में भले ही किसी को मारने का उद्देश्य नहीं था जैसा कि बताया गया, अभी वहां पर बम फेंका गया था। अब आप कभी कल्पना करिए कि वाइसराय पे अटैक, असेंबली में अटैक, शस्त्रागार और कोषागार, तो सरकार तो बिल्कुल हिल गई होगी। क्या उन सारे लोगों का कोई योगदान नहीं था स्वतंत्रता में? तो मैं सिर्फ यह कहना चाहूंगा, स्वतंत्रता में सभी ने योगदान दिया है, राजनीतिक आंदोलन ने भी योगदान दिया है, तो जिन लोगों ने क्रांति की है उन्होंने भी अपना पूरा योगदान दिया है। न्याय हो तो सभी के साथ न्याय होना चाहिए, जो लोग जेल में रहे उनका योगदान है, निश्चित रूप से योगदान है, कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जेल में रहे उनका योगदान अविस्मरणीय है, परंतु जिन्हें जेल में रहकर पुस्तक लिखने की भी सुविधा मिली और सुख मिला उनका जितना योगदान है, उससे अधिक योगदान उन लोगों का है जिन्हें जेल में रहकर प्रताड़ना यातना और कोल्हू के बैल की तरह पेरा गया। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जब हम इसकी बात करते हैं कि सारे विचार को हम एक समान दृष्टि से देखें, तो इस देश के जितने भी स्वतंत्रता आंदोलन के प्रयास रहे उन सब को एक समान दृष्टि से देखने की आज आवश्यकता है। और मैं सिर्फ यह कहना चाहूँगा कि सरकार ने इन सारे विषयों को ध्यान में रखकर यह विचार किया है। मैं एक लाइटर नोट पर एक बात कहना चाहूँगा, जैसे मैंने बात कही कि कभी कोई पार्टी समाप्त भी हो सकती है, भाई कांग्रेस का सबसे बड़ा ऐतिहासिक विभाजन कब हुआ? 1969, वो क्या था? महात्मा गांधी जी का जन्म शताब्दी वर्ष था, और 150वें वर्ष तक आते आते स्थिति दयनीय हो गई, तो हो सकता है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने जो दूरदृष्टि से देखा था कि कौन भविष्य में कहां पे खड़ा होगा, तो वो स्थिति समाप्त भी हो सकती हो, तो हमें क्या आवश्यकता है उसे यहां पर एक सरकारी व्यवस्था में स्थायी प्रावधान के रूप में बनाकर रखने की। अब मैं एक और बात यह भी कहना चाहूंगा कि अभी ये बात कही गई कि स्वतंत्रता आंदोलन में किसका क्या योगदान है, मैं पूरी विनम्रता से बात कहना चाहूंगा कि जलियांवाला बाग शुरू होने से पहले के कालखंड में कौन कौन लोग स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1905 में लोकमान्य तिलक जी ने जब पूर्ण स्वराज्य की घोषणा की थी तब उनकी बात को कोई स्वीकार करने वाला था? उन्हें क्या कहा गया था? राइट विंग एक्सट्रीमिस्ट। तभी कहा गया था कि वाइसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कंसेशंस की बात है, ये पूर्ण स्वराज की बात कहां से आ गई? अंग्रेजों के राज में तो सूरज नहीं डूबता है। पर आपने देखा
1929 में जाकर लाहौर कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज्य का प्रस्ताव पारित हुआ, यानी 24 साल लगे वह स्वराज्य के तत्व को एकीकार करने में, इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। और जलियांवाला बाग में जिन लोगों ने शहादत दी, जो बड़े बड़े क्रांतिकारी थे, वो डे वन से उसी पूर्ण स्वराज्य के आंदोलन को लेकर आगे बढ़ रहे थे, क्योंकि वो कह रहे थे किसी प्रकार का कंसेशन नहीं चाहिए, हमें पूर्ण मुक्ति चाहिए। और मैं एक जस्ट एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा, इसे कोई अन्यथा ना लें, 1919 में जलियांवाला बाग कांड हुआ है, 1910 में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? विलियम वेडरबर्न, ब्रिटिश सरकार के अधिकारी थे। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि यह कहना कि जो हमारे सम्मानी मित्रों ने कहा कि स्वतंत्रता आंदोलन के एकमेव संचालक हम ही थे, एकमेव रास्ता हमारा था और हमारी व्यवस्था पर हमारा ही वर्चस्व रहना चाहिए, यह युक्तिसंगत प्रतीत नहीं होता। मेरा यह मानना है भाई, ये कभी एक दौर में रहा होगा कि जब वक्त भी हमारा, निजाम भी हमारा, काम किसी का भी हो पर नाम भी हमारा, वो सोच के रखा गया होगा, परंतु आज वो सारी व्यवस्था बदल चुकी है। एक नया भारत नए स्वरूप के साथ सामने आ रहा है, हमें इस हकीकत को स्वीकार करना चाहिए। जैसा अभी 1951 का उल्लेख किया, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि 1 जनवरी 1901 को जब इस देश में सूरज उगा, तो इस देश में किसकी सरकार थी? अंग्रेजों की सरकार थी। 1 जनवरी 1951 को जब इस देश में सूरज उगा, तो इस देश में किसकी सरकार थी? पूरे देश में कांग्रेस की सरकार थी। और 1 जनवरी 2001 को जब 21वीं सदी के पहले सूरज की पहली किरण इस धरती पर पड़ी, तो इस देश में किसकी सरकार थी? श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, और अगले दशक में मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत की सरकार थी। तो बदलते हुए वक्त और नियति के चक्र और काल के चक्र को भी समझना चाहिए। जैसा कई सम्मानित सदस्यों ने कहा कि कोई व्यवस्था जो 100 साल पहले थी वही व्यवस्था आज भी रहेगी, कोई पार्टी जो 100 साल पहले थी वो अपने मूल रूप में आ जा रहे। मैं तो अपनी पार्टी का उदाहरण देता हूं, 1977 में जनसंघ के रूप में हमने अपने को तिरोहित कर दिया था, 77 से 80 तक हम जनता पार्टी के हिस्सा थे और 1980 में एक नए स्वरूप में सामने आए। तो पार्टियां बदलती रहती हैं, व्यवस्थाएं नहीं बदलती, संवैधानिक व्यवस्थाएं शाश्वत रहती हैं। संवैधानिक व्यवस्था में संवैधानिक व्यवस्था के ही प्रतीकों का स्थान होना चाहिए, राजनीतिक प्रतीकों का स्थान होना मेरे विचार से कदापि उचित नहीं। फिर भी यदि हमारे सम्मानित सदस्यों को ऐसा लगता है कि इसमें किसी भी प्रकार का पूर्वाग्रह है, किसी भी प्रकार का आग्रह है, तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि इस देश के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति आप सारे पूर्वाग्रह समाप्त करके देखिए, तो आपको ये भी नज़र आएगा कि क्रांतिकारी आंदोलन भी था, राजनीतिक आंदोलन भी था, और इस देश की पहली आज़ाद सरकार सुभाष चंद्र बोस जी ने 1943 में बनाई थी, उसका भी योगदान था। 1946 के नौसेना के विद्रोह का भी योगदान था। चाहे झारखंड में 19वीं शताब्दी में शुरू हुए आंदोलनों का योग हो, या नरसिम्हा रेड्डी जी के नेतृत्व में आंध्र में हुए आंदोलनों का योगदान हो, अथवा बंगाल का सन्यासी आंदोलन हो, ये सब तो पार्टियों के सृजन और गठन से बहुत पहले की भी चीजें हैं। तो इस देश में स्वतंत्रता एक शाश्वत विचार है जिसने इस देश को कभी गुलाम नहीं होने दिया। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज जब हम ये कहते हैं कि वी आर द यंगेस्ट नेशन ऑफ द वर्ल्ड, तो यह सत्य नहीं है माननीय सभापति महोदय, यह अर्ध सत्य है। पूर्ण सत्य यह है कि वी आर द यंगेस्ट नेशन एंड द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन, वी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग सिविलाइजेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड एंड वी आर द ओल्डेस्ट सर्वाइविंग नेशन ऑफ द एंशियंट वर्ल्ड। और वो सारे के सारे देश समाप्त हो गए, मगर हम अभी तक बचे थे। वो किस लिए? वो उस प्रकार की वह शक्ति जो जलियांवाला बाग में बलिदान करने वाले हमारे राष्ट्रभक्तों ने दिखाई। बाकी सारे देश कभी समाप्त हो गए होंगे, परंतु हम बड़े से बड़े अंधकार में से भी निकल के सामने आए। इसलिए वह शक्ति किसी एक व्यक्ति की, का, दल का, विचारधारा का, समूह का वर्चस्व नहीं हो सकता। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए यह कहना चाहूंगा कि हम क्या थे। अटल जी की कविता की एक पंक्ति है कि दुनिया का इतिहास पूछता ग्रीक कहां, यूनान कहां है,
घर घर में शुभ अग्नि जगाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी जगत के छाया जब बरबर अंधियारा, तभी चीर कर चमतम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। अंत में मैं सिर्फ ये कहूँगा, आप इस चीज को बड़े हृदय से देखिए, संपूर्ण स्वतंत्रता आंदोलन और उनके योगदान को बड़े हृदय से देखिए, और किसी भी प्रकार की अदावत की नज़र से मत देखिए। अगर आप देखिए तो सदाकत की नज़र से देखिए और लियाकत की नज़र से देखिए। मैं सिर्फ ये कह के एक बड़ा, अगर आपकी खिलाफत है तो मैं मानता हूँ कि ये जो खिलाफत है इस मुद्दे के ऊपर, इसका कोई आधार नहीं है। उर्दू के एक बड़े प्रसिद्ध शायर हैं, आप लोगों के भी बड़े लोकप्रिय हैं, तो उन्हीं का एक बात कह के बात समाप्त करूँगा कि अगर हैं खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। ये अगर हैं खिलाफ तो खिलाफ होने दो, ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। जो हमारे दिल में है वही सदाकत है, सभी के दिल में आपकी जुबान थोड़ी है। यस, राहत इंदौरी जी का है। और आखिर में कहूंगा उस जलियांवाला बाग की उस मिट्टी और उसमें पड़े हुए शहीदों को खून को देख के कहिए, सभी के खून से मिलकर बनी है यह मिट्टी, सभी के खून से मिलकर बनी है मिट्टी, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। धन्यवाद।